तभी बोला जाता है कि न्यू एनसीआरटी पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है तो राइट आंसर इज कॉटन सिल्क सोल्ट पेट्रे एंड ओपीएम तो एक बार देख लेते हैं दैट हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाई यूजिंग एनसीआर टी न्यू एनसीआर सो 8, class 8 ka, आपका जो एनसीआर लिखा हुआ है बिग मार्केट इन यूरोप हम सबको पता है कि यूरोप में जो इंडिया का कॉटन एंड सिल्क प्रोडक्ट था उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू uh, थी उसकी बहुत बड़ी मार्केट थी ये दैट इज द कॉटन एंड सिल्क उसके बाद नेक्स्ट अगर आप ट्वेल्थ के एनसीआर में आते हैं इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया पास थ्रू बॉम्बे येस बॉम्बे भी केमे इंपोर्टेंट पोर्ट और सारा का सारा जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता था वहां से गुजरता था वन इम्पोर्टेंट आइटम ऑफ दिस ट्रेड वॉज ओपियम, सो दॉटन सिल्क सॉल्ट पेट्री एंड योर ओपीएम ओपीएम आपका एक्सपोर्ट किया था, जाता था चाइना में सो दट इज द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पता है तो पता है नहीं तो यू कैनोट सॉल्व दिस फॉलोइंग हिंद मजदूर सभा तो एक ऑर्गेनाइजेशन दी गई है, Sabha, पूछा गया है कि उसके कौन -कौन थे? आपके ऑप्शन है बट आपको सीधा आंसर पे लेके आता हूं बिकॉज आपको और नेम याद करने की जरूरत नहीं है जस्ट सिंपली रिमेम्बर दीज नेम्स अशोक मेहता टी एस राम अनुजम एंड जी सी मेहता

वो बनते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हिंद मजदूर सभा सो यू शुड रिमेंबर द पर्संस एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशंस सो दिस इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन एंड यूपीएससी हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 2018 से जो पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स तो ये क्वेश्चन आपका है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सो वी हैव सीन फ्रॉम 2013 टिल 18 दैट जिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे पहले क्या हुआ बैंक ऑफ इंडिया वॉज रीनेमड एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया एयर इंडिया वॉज नेशनलाइज एंड बिकेम द नेशनल कैरियर उसको नेशनलाइज किया जाता है गवर्नमेंट के अंडर आता है गोवा बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ये चार इवेंट्स दिए गए हैं आपको ये बताना है आपको इनमें से सबसे पहला कौन सा हुआ और एंड में कौन सा हुआ तो द राइट आंसर इज थ्री टू वन फोर सबसे पहले एयर इंडिया नेशनलाइज्ड हुई एंड दिस हैपेंड इन 1953 उससे पहले ये टाटा ग्रुप में बिलोंग करती थी और 1953 में इसको आपका नेशनलाइज कर दिया गया फिर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये आपका हुआ 1955 32 उसके बाद 1957 केरला में आपका कम्युनिस्ट पार्टी ने आपका दावा किया गवर्नमेंट बनाने का इलेक्शन हुए और यहां पे कांग्रेस हैड में आपका पहली गवर्नमेंट बनती है कम्युनिस्ट पार्टी की और एंड में गोवा बिकेम पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड दिस इन 1962 सो so दैट so, ये था आपका टू का पेपर एक बार क्विकली रिकैप करते हैं कि 2018 में किन किन टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे गए सो यस ऑल द रिलीजन रिलेटेड सो यहाँ पे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म आपको कवर करना है फिर आर्किटेक्चरल बिल्डिंग आर्ट फॉर्म चाहे वो पेंटिंग है चाहे वो डांस है चाहे वो मार्शल आर्ट है आ, म्यूजिक है या बिल्डिंग्स हैं क्वेश्चन पूछा जाएगा फिर आपसे पूछा गया क्राफ्ट का नाम दिया गया और एसोसिएटेड कौन सी स्टेट है उसके साथ नेक्स्ट फिर उसी तरह का क्वेश्चन आर्ट फॉर्म या उसके साथ जुड़ी हुई स्टेट कौन सी है नेक्स्ट इंडियन पेंटिंग से क्वेश्चन आया बनी ठनी किस स्कूल से बिलोंग करती है देर आर डिंट स्कूल देर आर रीजनल स्कूल राजस्थान के अंदर फिर देर so आर सब स्कूल पहाड़ी स्कूल इंडियन स्कूल राजस्थानी स्कूल में आपको पता होना चाहिए प्लस आपको देन द क्वेश्चन केम फ्रॉम ट्रैवलर्स फ्रॉम एंशियंट इंडिया टू मिडीवल इंडिया टू मॉडर्न बहुत सारे ट्रैवलर्स फ्रॉम फॉरन कंट्रीज इंडिया आते हैं एंड दे है इंडिया तो आपको ट्रैवलर्स के बारे में पता होना चाहिए फिर इंडियन म्यूजिक के बारे में पता होना चाहिए बहुत क्लासिकल एज वेल एज फोक म्यूजिक फिर हमारा क्वेश्चन आया ब्रिटिश पॉलिसी हमने क्वेश्चन देखा था इसी तरह ऑफ पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है फिर पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइबल अपराइजिंग यहां पे क्वेश्चन पूछा गया था संथल का जो अपराइजिंग हुआ उसके रिगार्डिंग क्रोनोलॉजी तो देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा ही इसी पार्ट में भी हमने देखा उससे पहले भी देखा आपके कुछ इवेंट्स दिए जाएंगे कौन सा किस टाइम पे हुआ ये आपको पता होना चाहिए फिर गांधीयन मूवमेंट से क्वेश्चन पूछा गया चंपारण सत्याग्रह प्लस गांधी जी के साथ जो एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है उनका क्वेश्चन आया और एंड में हमने देखा डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन बहुत सारे बिल पास हुए थे इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया कईयों ने वर्नैकुलर पे स्ट्रेस किया तो ये जो सब हुआ डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन जो चैप्टर है वो आपको अच्छे से पढ़ना है और एक चैप्टर है आपका इकोनॉमिक इम्पैक्ट और ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया रूइनिंग ऑफ इंडस्ट्री रूइनिंग ऑफ एग्रीकल्चर आर्टिसंस एंड सो ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फेरबदल हुआ वी बिकेम अ नेट इंपोर्टर ऑफ द फिनिश गुड्स नेट सॉरी इंपोर्टर ऑफ द

2019 थाउजेंड नाइनटीन एंड ट्वेंटी एंड सो ऑन सो प्लीज डू वॉच द प्रीवियस वीडियोज एज वेल ताकि आपको पता चल सके कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड सो ऑन सो थैंक यू कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग